तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, इस कार आज मैं बताऊंगा इको कार का 2012 मॉडल का रिव्यू। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been तो गाइज़, मैं इसमें आपको बता दूँ, इसमें आपको एक R15 का ये टायर मिल जाता है। और इस गाड़ी की कभी काफ़ी अच्छे टायर हैं अभी हालत में। गाइज, में आपको ये आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं 5 सीटर एंड 6 सीटर 7 सीटर के। अभी ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको 5 सीटर है। एंड अगर गाइज़ अगर मैं इसकी बात करूँ पीछे से, तो पीछे से आप देख सकते हैं कि ऐसी दिखती है। पीछे से गाइस आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे दिखती है। एंड गाइस, मैं अगर इसका बता दूं, ये गाड़ी इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है। हमें ये कमर्शियल गाड़ी है, कमर्शियल के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, कमर्शियल स्कूल टैक्सीज वैन इन चीज़ों में। इसने आते ही वैन को फेल कर दिया था। सबसे पहले ये निकाली गई थी। गाइस का आप लेग रूम देख सकते हैं, लेग रूम काफ़ी अच्छा दिया गया है, काफ़ी जगह है। एंड हेड रूम भी अच्छा, काफ़ी अच्छा दिया गया हुआ है। गाइस, इसमें आपको चाइल्ड लॉक मिल जाता है। ये गाइस आपको सेफ्टी के नाम पे सिर्फ यही मिलता है, चाइल्ड लॉक। ये क्योंकि बच्चों के इसलिए यूज़ होते हैं टैक्सी वैक्सी में, तो इसलिए इसमें चाइल्ड लॉक दिया गया है। एंड गाइस, आप उसमें इसके सीटें चेक कर सकते हैं, लेदर की प्योर फिनिशिंग दी गई है। और पीछे से कुछ बूट ऐसा दिखता है, अगर आपको आगे से फ्रंट व्यू दिखा दूँ पीछे से बैठे बैठे, तो ये देखो गाइस कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस, मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ एंड कुछ आगे से इसका रिव्यू करके दिखा देता हूँ। गाइस, ये देखो आप इसका स्पीडोमीटर देख सकते हैं। ये देखो गाइस, इसका स्पीडोमीटर आ गया। ये गाइस कुछ पास से दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा 1,11,000-23,000 कुछ समथिंग चल चुकी है। एंड गाइस, फिर भी आप इसके चला के देखेंगे, इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, एकदम न्यू है। गाइस, आपको ये एसी कंसोल मिल जाते हैं। इसका एसी तो इतना इफेक्टिव नहीं है, बट फिर भी वैन के हिसाब से जो इन्होंने निकाला था वो काफ़ी अच्छी चीज़ गई है। गाइस, ये एकदम मारुति वालों ने वैगन आर की कॉपी करी गई है। एंड ये रह गई CNG और पेट्रोल पे आप करने का ऑप्शन। और एंटरटेनमेंट ये आपको आफ्टर मार्केट से लगाना पड़ता है, खुद अपने पैसे खर्च करके। गियर लॉक भी आफ्टर मार्केट से लगाया हुआ है। एंड ये आपको एक लाइट मिल जाती है ऊपर, जो नॉर्मल सभी गाड़ी में मिलती है, डोर लाइट। ये भी काफ़ी अच्छी वर्किंग है। एंड गाइस का मैं अगर बात कर दूँ इसकी, ये देखो इसमें चार्जर का वो मिलता है, ये भी आफ्टर मार्केट से लगाया हुआ है हमने। इसमें गाइस, इसमें कोई आपकी वैन के अगर मुकाबले पर आप कंपेयर करा जाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये आपको डोर मिल जाता है। एंड ये आपको हजार्ड लाइट का ऑप्शन है इसके अंदर। एंड ये वाइपर का, वाइपर के पानी वानी का। एंड ये आपको इसमें लाइट का शिफ्टर मिल जाता है, कितने पे कितनी करनी है। नॉर्मल जो वैन में नहीं मिलता वो सारे फंक्शन इसमें मिले थे, इसलिए ये गाड़ी काफ़ी सक्सेसफुल है इंडिया में। एंड गाइस, में एसी के ना एसी का फीचर है, हीटर का फीचर है, या आप लैग में चाहिए, ऊपर चाहिए हवा, ये सब आपको फीचर अवेलेबल हैं। अंदर कहीं यार बाहर की हवा, ये भी फीचर आपके अंदर अवेलेबल है। गाइस, अगर मैं इसकी बात करूं सेफ्टी के सेक्शन, तो गाइस इसको अब चला के दिखा देता हूं मैं आपको। तो गाइस, मैं आपका दिन का चला के दिखा देता हूं गाइस, क्योंकि दिन का समय है। गाइस, में आवाज़ अंदर काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि इसका इंजन अभी भी वैन की तरह सीट के नीचे काफ़ी शोर है। गैंड, अगर मैं इसको फर्स्ट गियर पे उठा रहा हूँ तो गाइस, हाँ, पिकअप इसका भी लाजवाब है, पिकअप में इसके कोई नहीं है। एंड गाइस, लोग कहते हैं कि इसे अगर ज़्यादा तेज चलाओ तो इसका, हाँ, मेरे को फील हो रहा है गाइस, ये काफ़ी
जमीन से ऊपर होके चल रही है, तो इसलिए बड़ा अजीब सा फील हो रहा है चलाने में, बट ठीक है, अच्छी है। एंड गाइस में ना एक बात है जो सबसे ज्यादा कमी करी है, वैन को चलाते से ना जो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस रहता था कि इसमें सही चल रही है, लेकिन जब इसको चलाओगे ना तो अंदर से ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि सही चल रही है या गलत चल रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी ढंग से नहीं चल रही, और इसमें पलटने वलटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऊपर काफ़ी ऊपर करी गई है, इसको काफ़ी ऊपर बनाया गया है। तो गाइस अब मैं इसके कॉर्नर की बात कर लूँ, मोड़ के दिखा देता हूँ ये कैसी मुड़ती है। सेकंड गियर पे उठा चले जाओ, या गाइस मूड काफ़ी अच्छी रही है, मुड़ने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड गाइस सबसे बड़ी बात, इसके ये पावर स्टीयरिंग नहीं दिया, पता नहीं सालों जब तुमने इतना पैसा करते था तो पावर स्टीयरिंग देने में क्या जा रहा था, इनमें इसमें पावर स्टीयरिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। एंड 40 तक तो आराम से जा रही है, लेकिन जैसे ही मैं 80 पे जाता हूँ तो मेरी गाड़ी डगमगा जाती है, हिलना शुरू कर देती है, काफ़ी अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कार। कहीं लेकिन फिर भी गाइस अगर इसको आप कंपेयर करोगे वैन से, ये बहुत ज़्यादा अच्छी निकाली गई है, लेकिन इसके मुकाबले वर्षा ज़्यादा अच्छी थी, पता नहीं उसको डिसकंटिन्यू करके ईको क्यों निकाल दी, मेरे हिसाब से तो वर्षा का कोई तोड़ ही नहीं था। ये गाइस इंडिया में इसने जो मार्केट क्रिएट करी है ना, वो शायद ही किसी गाड़ी ने करी थी, मारुति को छोड़ के, क्योंकि मारुति ने अपनी हैचबैक में कर दी, इसने अपनी लोडिंग वगैरह सामान की उसमें करी है। मेरे हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अब रेड लाइट, अगर इसमें और कोई बातें बता दूं तो इसका जो पिकअप है अब भी मेरे हिसाब से काफ़ी लाजवाब पिकअप है, तो आपका आगे का दिखाता हूँ आगे बोनेट के अंदर क्या है। बात करूँ तो इसमें ये देखो इंजन अंदर होता है तो इसलिए ये सब खाली है, ये कूलेंट की जगह है, वाइपर के पानी की जगह है, और ये अपना रेडिएटर है, बस यही चीज़ें हैं। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना, बाकी आप सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।